प्रिय छात्र नमो नमः। स्वागतम संस्कृत कक्षायाम। बेटा हमारा फोर्थ लेसन चल रहा है और फोर्थ लेसन का हमारा अभ्यास चल रहा है। बेटा एक बार ध्यान से देख लेना, जिसके अकॉर्डिंग तुम उसको अच्छे से समझ पाओगे। अभ्यास में भी सबसे पहले हमारे क्या देखेंगे, टेबल। टेबल देखेंगे और टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। अभी पहले टेबल देख लेते हैं। ये टेबल मैंने तुम्हें कई बार करवा भी चुकी हूँ। सह टे तवम युवाम युयम अहम आवाम और वयम, उनका मतलब क्या होता है, वह वे दो वे सब। तवम का मतलब तुम दो तुम सब, अहम मैं हम दो और हम सब वही। इसी तरह जो हमारी धातु होती है, जैसे कि रस धातु है, खेल धातु है, दर धातु है, नम धातु है, पच धातु है, ये सभी के सभी कैसे चलेंगे भाई, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे गच की गचत है गचंती, गच सी गचत है गच गच्छामी गच्छाव है गच्छाम है। मैंने तुम्हें एक बार ये याद भी करवा रखी है। इनका मतलब भी क्या होता है, गचती का वह जाता है, गचत है वे दो जाते हैं, गचंती वे सब जाते हैं, गच्छी तू जाता है, गचत है तुम दो जाते हो, तुम सब जाते हो, अहम मैं जाती हूँ, हम दो जाते हो और हम सब जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने अपना फील करने के लिए अभ्यास किया। जैसे कि यूयम, उन्होंने भी स्थान दे दिया, खेल दे दी धातु, तो उन्होंने बोला है कि यूयम के साथ क्या लिख दिया, यूयम कहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष का बहुवचन है यूयम, तो यूयम के साथ क्या लिख दिया, गच्छत। खेल धातु है तो यूयम के साथ क्या लिखेगा भाई, खेल। क्या आएगा यूयम के साथ, खेल खाएगा। ठीक है, आगे देख लेते। जैसे कि वयम, वयम कहाँ आया हमारा, वयम, वयम के साथ धातु कौन सी देती, उन्होंने गम धातु देती और कैसे चलेगा, बच की तरह जैसे मैंने बता रहे थे अभी। तो वयम, वयम का मतलब क्या होता है बेटा, हम सब, और गच्छामि का मतलब भी क्या होता है, हम सब। तो वयम के साथ क्या लिख दोगे तुम, गच्छामि, क्या लिख दोगे, गच्छामि। अब आता है यूयम, यूयम धातु कौन सी देती, त्रितर धातु देती, तो यूयम के साथ क्या लिखोगे, यूयम का मतलब क्या होता है, तुम सब, तो क्या आएगा, गच्छत। और धातु कौन सी अंतर, ये भी ऐसे चलेगी, तर ती तर तह तरंती तरसी तर है तर खा जाएगा, भी क्या आ जाएगा, यूयम के साथ तर खा जाएगा। समझ में आई। आगे जैसे कि वयम, वयम है और धातु देती नम देती, वयम का मतलब क्या है, हम सब, और वयम के साथ ये क्या आएगा, गच्छामि, और नम धातु भी इसी के अकॉर्डिंग चलेगी, तो क्या लिखोगे अभी, नमती नमतः नमंती नमसी नमतः नमक नमामि नमावे नमामि, क्या लिखोगे, नमामि, ऐसे ही पढ़ लेंगे। आगे जैसे यूयम, अभी अभी मैंने बताया यूयम का मतलब क्या होता है, तुम सब, और पच धातु है, यूयम के साथ क्या लिखेगा, पचत, क्या आएगा, पचाम पचसी पचत है पचत। ठीक है, वयम के साथ है, वयम का मतलब होता है हम सब, और यहाँ गच्छामि है, नम धातु का रूप भी ऐसे ही चलेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे बनना है वयम नमामि। ये आगे देख लेते हैं कि वयम, वयम के साथ क्या लगेगा, तरंती तरामि तरामि, तुम देखो कि वयम के साथ क्या लगेगा, तराम लगेगा ना, क्या लगेगा, तराम। और यूयम के साथ, यूयम का मतलब क्या होता है, तुम सब, तो क्या लगेगा, गायक। अहम के साथ, अहम के साथ क्या लगेगा, देखो अहम है, अहम के साथ क्या आया, गच्छामि है, और यहाँ धातु पचती पचामि पचसी, क्या लगाओगे, पचामि। इसी के अकॉर्डिंग करने के लिए मैंने तीन ही पार्ट लिखे हैं आगे और तीन बुक में, वो तुम्हें खुद फील करने है। ठीक है, एक हमारा पार्ट है, सेकंड पार्ट में बता रखा है कि उदाहरण के अनुसार वाक्य को पूरा करना। उदाहरण क्या है, जैसे कि यदा वयम पठामे तदा यूयम खेल, इसके अकॉर्डिंग बना भी। यदा का मतलब होता है हम, यदा जब हम पढ़ेंगे तदा तब तुम सब खेलोगे भी, इसमें यदा और तदा वरना भी और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो बेटा। थैंक्स।